दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। गोंदिया जिले के आमगांव पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत पांडुरंग पवार उम्र 37 वर्ष व थाना स्थित अमृत ढाबे के संचालक गोरठा निवासी अनिल किशनलाल सोनक निवारे उम्र 37 वर्ष दोनों के खिलाफ 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते संबंधी एसीबी ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। इसमें आरोपी अनिल सोनक निवारे को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता को पीएसआई पवार ने फोन कर बताया था कि तुम्हारे खिलाफ सरकारी जमीन बेचने की शिकायत आई है। इसमें कार्रवाई से बचने के लिए उसने 5,00,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं करने की एवज में 5,00,000 की जगह 2,00,000 रुपए देने पर दोनों के बीच सहमति बन गई थी। इसकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने 12 जून को कार्रवाई कर अनिल सोनक निवारे को 1,00,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। यह कार्रवाई एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक पुरुषोत्तम अहिरकर के नेतृत्व में की गई है।